तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारा दूसरा दिन जगन्नाथपुरी में। और गाइस व्यू देखो यार आप, हम अभी थर्ड फ्लोर पे खड़े हैं होटल के और आप समुद्र का नज़ारा देख सकते हो, कितना प्यारा है। आपको बता दूँ, ये तो यहाँ तो बीच है, पर वो जो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ जो आपको भीड़ दिख रही होगी वो है मेन बीच, गोल्डन बीच जिसको बोलते हैं। भाई कितनी भीड़ है भाई वहाँ पे। बाकी यहाँ देखो, यहाँ कोई भीड़ है ही नहीं। गाइस कितना सही है, अभी हम पानी के अंदर जाएंगे। अरे ये तो बहुत गर्म है यार। बाकी ये बीच पूरा खाली है, मेन वहाँ है गोल्डन बीच, वहाँ आप क्राउड देख सकते हो कितना है। तो आप देख सकते हो कि आशु पानी में गया है, नहाने वाला है, तो पापा भी जा रहा है साथ में। पानी बहुत ही क्लीन है, एकदम ब्लू ब्लू बीच में। यहाँ पे थोड़ा सा हो चुके, तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे चिलिका लेक है पूरी के पास, तो चिलिका लेक जाएंगे और भी कई जगह जाएंगे, और भी बहुत सारी जगह जाएंगे। तो चलो जमा में आए हैं यहाँ पे ही पास में ओमकारेश्वर, जैसा देख सकते हो वहाँ पे श्री श्री ओमकारेश्वर मंदिर, आप देख सकते हो महादेव जी कितने प्यारे लग रहे बैठे हुए। आपका हैंडपंप भाई थोड़ा अलग है हमारे गांव से। निकल चुके हैं श्री श्री ओमकारेश्वर मंदिर पूरी से। अभी हम चलते हैं दूसरे पड़ाव पे, जहाँ अपन जाना है चिलिका लेक होगी। चलो पहाड़ गोला आई से अपन हम चिलिका लेक पे आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो कितने सारे लाइफ जैकेट पड़े हैं, और यहाँ से हम टिकट लेंगे अंदर। चलो जैकेट ही लाइफ जैकेट भाई, कितनी लाइफ बचाते हैं। बस चिलिका लेक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बोट है। अभी तो और दूर जाना है, हमने 3 घंटे का लिया है भाई, 3 घंटे बोट पर जाने पड़ेंगे भाई। डॉल्फिन, फिर उसका बर्ड, फिर क्रैब, भाई कितनी सारी बोट्स है इधर। मैं इधर ही बैठूंगा, इधर आ जाओ।
आपका अराउंड घुमाएंगे हम लोग, आपका जितना पॉइंट है उतना ही कवर करके फिर आपको सबसे बड़ा लेंगे। क्रैब आइलैंड, ओ भाई रेड क्रैब। मैम उधर बैठे, मैं ले आता हूँ आपका पास ले आता हूँ, कुछ भी नहीं करेगा। ये रेड क्रैब का आइलैंड होता है, यहाँ पर जब हाई टाइड होता है फिर पानी भर जाने से एक भी पीस देखने के लिए नहीं मिलता है। जब भी लो टाइड होता है एक किनारे पर हजार हजार पीस लाल कांकड़ा देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर का उसका एंटीना टाइप का दिखाई देता है उसका आंख है। अच्छा, ये चारों तरफ घूम के 360 डिग्री देख सकता है। और ये कोई खाने का लायक नहीं है मैम, ये पूरा खतरनाक और जहरीला है। इतना जहरीला है, इसमें कैंसर का कीमो बनता है। बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े वैद्य आकर उसको लेके जाते हैं। हमारा जो खून जैसे हर जीव का देखो लाल होता है खून, इसका पूरा ग्रीन रहता है। अच्छा, इसका अंदर तो ये कैंसर के वो कीमोथेरेपी वगैरह में मेडिसिन, ये मेडिसिन बनता है भाई। हम लोग एस्टर बोलते हैं, सीसल बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये समुद्र के सीसल की बोलते हैं, समुद्र के अंदर ही मिलती है, इसीलिए इनको सीसल एस्टर बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मोती है। अभी देखा है, अभी देखा है लाइफ में? नहीं, वीडियो में देखा है। वो देखो, हम लोग रोज मूवी देखते हैं, हीरो को देखते हैं, हिरन की व्यू देखते हैं, मूवी में देखते हैं। जो सामने आता है ना बहुत दूर से अंदर, ये जिंदा वाला नहीं डेड वाला है, इनको सब तोड़ तोड़ के दिखाएंगे। देखो ये समुद्र के अंदर रहता है, 50-60 फुट पानी के नीचे। वीडियो मत बने छोटू, हजार की जगह में जो बेटा आपको निकाला 40,000। हमारे बोट के साथ में रस्सी में आ गया केकड़ा। ओ ब्रो ब्रो, मेरे को अभी क्या दिखा, एक बंदा पानी पे चल रहा है गाइस। देखो वो बंदा पानी पे चल रहा है, मतलब कैसे, ओ भाई फ्लोटिंग मैन ऑफ इंडिया। ये पूरी लेक है और वो जो आपको एंड दिख रहा है वो है सी माउथ, वहाँ से पानी आ रहा है इस लेक में। लेक का पूरा पाना खा रहा है, पूरा पानी खा रहा है, और वहाँ सामने समुद्र का रास्ता है। तो चलते उधर गाइस, ये देखो भाई ये जंगली जंगल, सामने समुद्र है, पीछे लेक ये देख, आप देख सकते हो भाई कितना सही है यार। क्रैब्स है इधर देखो ब्रो, इतने सारे क्रैब्स। ओ भाई बहुत भाई, हमने ना एक नया बीच अनलॉक कर लिया है भाई। ओ भाई क्या क्रैब्स है भाई, भाई क्रैब भाग रहे हो, इनके पीछे भागता हूँ। भागे भागे भागे, ओ भाई क्रैब्स। तो सी पे ना मरी हुई जेलीफिश मिली है, थोड़े थोड़े केकड़े भी चल रहे हैं गाइस, केकड़े और वो देखो गाइस कितने सारे केकड़े हैं। इसमें गलती से पैर मत रख देना गाइस, इसमें बहुत जहर होता है, अभी सावधान रहें। अगर मैंने गलत बोल दिया है तो मैंने बताया गाइस, क्रैब गाइस, मैं अभी क्रैब गया था जो कैप्चर नहीं कर पाया था मैं गाइस। जब तक बोट वाला भैया ने देखो मछली निकाल दी भाई, इतनी सारी, एक मछली ऊपर नहीं दिख रही है, अपने निकालने वो अंदर रहते हैं ना, ये कोरस जो हम कर रहे हैं, इनके अंदर निकलेगा क्या? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कहां आई है, सब जिंदा है वो। हाँ ना, वो क्या डालते हैं उसपे, वो जो एक कीड़ा अंदर रहता है ना, हाँ हाँ, उस शेल के अंदर, हाँ हाँ, उसको डाल के मच्छी मार देते। अच्छा, हाँ
जिंदा है। गादे गादे जी बस सी मार देखो जेलीफिश। हाँ हाँ दे रहा है, गया गया वो नीचे गया अभी, पर दिखाई दे रहा था अभी। तो गैस अभी हम है एनआरएस रॉयल पैलेस के अंदर। ये है एक एसी रूम, फ्रंट सी व्यू, टावल, शैम्पू सब देते हैं, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, सावर जेल, सोप। उसके बाद यहाँ पे आपको दूध पाउडर सब मिल जाएगा, फिर आपको सब बनाना सब मिल जाएगा, कॉफ़ी, चाय, पानी की बॉटल भी देते हैं ये लोग। फिर उसके बाद ऐसा कुछ रूम है एकदम आलीशान, एकदम रॉयल फीलिंग, लाइक रॉयल स्टाइल ना, रॉयल पर्सनालिटी। उसके बाद आपको अगर एक्स्ट्रा मैटर चाहिए तो एक्स्ट्रा रखवा सकते हो। मस्त चेयर है, आपको खोल के दिखा दूं मैं। बूम ब्रो, इसकी बालकनी कितनी बड़ी है भाई, इतना तो अंदर कमरा भी नहीं होगा जितनी बड़ी तुमने बालकनी दी है। और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो सामने आप देख सकते हो वेव्स, है ना, सही पकड़ा हूँ, वेव्स है वो पानी की वेव्स है। देखो दिन में और सही दिखता है। था यू शुड कंसिडरिंग चूजिंग दिस होटल। और हमको ये एक रूम पड़ा है 6000 पर नाइट का विथ ब्रेकफास्ट। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने, होटल का रेस्टोरेंट है तो हमने आते ही बोल दिया था उनको खाने का। तो मैंने आज स्पेशल मंगाया एक थुपका, तो बड़े एक साल बाद थुपका ट्राई करेंगे, पिछले साल लेह लद्दाख में थुपका ट्राई किया था, यहाँ पे ट्राई करेंगे। चलो जी मेरा थुपका और एक पनीर चिली ड्राई है भाई, थुपका बहुत सही लग रहा है। मैं यार मंगाया रसगुल्ले, एकदम टेस्टी टेस्टी। बस खाना पीना हो चुका है, जब हमें बाहर जा रहे हैं पार्ले जी वाली कुल्फी खाने जो हमने रामेश्वरम में खाई थी। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, बिल्कुल अच्छी लग रही है। खाएंगे तो देख रहे हो कुल्फी वाला खड़ा है उधर, अमूल वाला, चलो उससे पूछ के आते हैं। मैं अकेला ही आया हूँ, अभी कोई नहीं है देखो मेरे आजू बाजू, क्योंकि ऐसे आ गया मैं भाई अकेला। मैं ऐसा ही क्यों लग रहा है, बहुत दूर है और आप देख सकते हो पूरी मिट्टी, लाइक मेरे को इतना नहीं दिख रहा जितने इस कैमरे को दिख रहा है भाई। 14 प्रो मैक्स इज जस्ट वाओ। अब यहाँ से ये हो रहा है कि आप जब यहाँ पे आए, आप उस लाइन से देखो यहाँ पे आए, उसके बाद ऐसे जाना पड़ता है, तो आप ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे आके समुद्र आता है, तो वो आपको समुद्र का क्लोजअप देता हूँ थोड़ा। बस भाई ये क्रैब ना हो जैसे, भाई कुछ तो गया भाई अंदर वो। रो यार ऐसा मत करो, डराओ मत यार, तो पहले ही मैं अकेला आया हूँ तो डराया जा रहा है मुझे, कितना बड़ा छेद है भाई। लाइक गाइस पता है यहाँ पे इतना डर नहीं लग रहा, क्योंकि देखो वो भाई आया आई पास आई, नहीं भाई पास नहीं आना, मैं पहले बता रहा हूँ आएगी नहीं इधर तक। यहाँ के बहुत सारी होटलें हैं, लाइट आ रही है, और वहाँ जो है ना मेन है गोल्डन बीच, जो वहाँ पे मेन है, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हो लाइटें ज़्यादा है। ये तो है होटल एनआरएस पैलेस जिसमें हम रुके हैं। खाना कितना अच्छा, देखो गाइस सैंड आर्ट बना रखा है, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। तो वहाँ सामने आप देख सकते हो लाइट हाउस है, और हम मस्त बीच पर टहल रहे हैं। गाइस जब ना सुबह सुबह सूरज की लाल किरणें पड़ती है ना, तो ये पूरा सामने बीच गोल्डन हो जाता है उसकी रिफ्लेक्शन के कारण। और आप देख सकते हो अभी भी अच्छी खासी क्राउड है आगे, आइसक्रीम खाते खाते सामने का नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये जो आइसक्रीम का रैपर है ना, आप खाने के बाद घर पे ले जाइए, यहाँ पर मत छोड़िए। वहाँ है कैफे कुकीज़ में केक की तलाश करने, केक मिल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि मम्मी का बर्थडे 12 बजे। बस 11 बज चुके हैं, 12 बजे मम्मी का बर्थडे है। अभी हम आए हैं ऐसे कुछ कैफे में, यहाँ पूरी हमारे होटल के पास में है, तो मम्मी ने लिया एक फ्रैपे कैरेमल फ्रैपे, पापा ने लिया कैपुचिनो, मैंने लिया हेज़लनट फ्रैपे। तो गाइस पापा ने मम्मी के लिए गिफ्ट रखा है जो मालाबार गोल्डन डायमंड से लाए हैं, उस टाइम ही लिया था हमने, तो ब्रेसलेट है। कैसा लगा? थैंक यू, बहुत प्यारा है, एकदम हार्ट हार्ट वाला, सो क्यूट। गाइस डिस्क्लेमर, चूज मम्मी ने किया था। मैं करूंगी ना, मुझे पहनना है तो। बिल में नहीं किया। तो गाइस ये जो बादल है ना, आपको पता हो तो ये बादल यहाँ से बनते, देखो अभी दिख नहीं रहा होगा पर मेरे को आंखों से दिख रहा है कि वहाँ से, ये बे ऑफ बंगाल है, तो बंगाली खाड़ी से मानसून उठता है, तो आपको अगर वहाँ कोहरा दिख रहा है तो मतलब वो बादल ही उठ रहे हैं।
मैं अपने आंखों से देख पा रहा हूँ। ये देखो ये बादल पूरा बन के गया है और भाई सामने हाई टाइड है। जैसा आपने देखा आज हम गए थे श्री श्री ओमकारेश्वर टेम्पल पूरी और चिल्का लेक जो बहुत बड़ी लेक थी, 3-4 घंटा लग गया होगा। हम तो कल हम और टूर पे जाएंगे, भुवनेश्वर टूर करेंगे, यहाँ भी आसपास कोणार्क टेम्पल। तो इस व्लॉग को मैं ये एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।